तो कैसे है दोस्तों, क्या आज बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदलकर मोदीवुड हो गया है? वेल, ये सवाल बड़ा ही क्रूशियल है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों और सालों में इन सभी मूवीज का एक चुनावी प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो एक देखने वाली बात है। खास करके ऐसे लोगों के लिए जो मानते हैं कि ये सभी फिल्में तो मैं अपने मजे के लिए देख रहा हूँ, इससे मेरी आइडियोलॉजी या फिर मेरे माइंडसेट पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को मैं यहाँ पर सिर्फ ये दो तीन वीडियो ही दिखाना चाहूंगा। और इसीलिए दोस्तों, आज के इस विजुअल में हम इन सभी फिल्मों के पीछे चल रहे डर्टी पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे विजुअल को एंड तक देखने के बाद आप सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कैसे एक साधारण सी मूवी किसी मीडिया हाउस या फिर टीवी चैनल से भी तकरीबन 100 गुना ज्यादा इम्पैक्ट लोगों की मानसिकता पर ला सकती है। और हाँ, इस विजुअल में बताई गई सभी इन्फॉर्मेशन को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो आप एक बार इन सभी चीजों को वेरीफाई जरूर कर लेना। तो देखिए दोस्तों, आज के इस हमारे जेन जी वाले दौर में खास करके इन सभी फिल्मों और उनकी नई प्रजाति वेब सीरीज का रोल्स खास करके लोगों की विचार शक्ति और आइडियोलॉजी में इनडायरेक्टली काफी हद तक बढ़ चुका है। और फिल्में एक ऐसा पावरफुल टूल है जो वैचारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से किसी भी दूसरे मीडिया ऑप्शंस की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव और अग्रेसिव तरीके से लोगों पर अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। मगर आज दोस्तों, आए दिन इन सभी फिल्मों को पूरी दुनिया भर में किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी प्रचार यानी कि प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इनफैक्ट हमारे देश में होने वाले किसी भी जनरल या स्टेट इलेक्शन से पहले ऐसी कई सारी फिल्में मार्केट में रिलीज होती है, जिसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर से लोगों की मानसिकताओं के साथ खेला जाता है। वेल, अभी शायद आप सभी लोगों को ये सारी बातें इतनी जल्दी रियलाइज नहीं हो रही होगी, सो इसको एक प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हमें हमारी कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इस तरीके की प्रोपेगेंडा फिल्मों की शुरुआत रशिया, नॉर्थ कोरिया और जर्मनी जैसे डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज से ही शुरू हुई थी। इनफैक्ट 1933 में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने अपना खुद का एक फिल्म फेडरेशन पीपुल्स एनलाइटमेंट एंड प्रोपेगेंडा की शुरुआत की थी। और इसके तहत दोस्तों, जर्मनी में किस फिल्म की स्क्रिप्ट पर कौन से डायरेक्टर, कौन से हीरो हीरोइन को रखा जाए, कौन से ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर फिल्में बनाई जाए, या फिर जर्मनी में कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा ट्रिगर कर रही है, तो इन सभी तरीकों की फिल्मों से जुड़े हुए डिसीजन को उस टाइम पर एडोल्फ हिटलर लेता था। और हिटलर की डिक्टेटरशिप में ये सभी फिल्में उसके लिए एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। तो अब जरा आप सभी लोग इसी हिटलर के प्रोपेगेंडा फिल्म्स के तरीकों को आज के हमारे देश की सिचुएशन के साथ कंपेयर कीजिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हाँ, मगर यहाँ पर हम सब लोग आज के इस फिल्मी पॉलिटिक्स की ही बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो एक तरीके से अनफेयर वाला मामला हो जाएगा। सो यहाँ पर भारत में इन सभी प्रोपेगेंडा फिल्मों की शुरुआत साल 1939 में हुई थी, जब एक सोशल ड्रामा ब्रांडी की बॉटल रिलीज हुआ था, जहाँ उस टाइम पर कांग्रेस और गांधी विचारधाराओं को बढ़ावा दिया गया था। फिर इसके बाद साल 1950 से लेकर 1960 के बीच में अब दिल्ली दूर नहीं, नया दौर, हम हिंदुस्तानी, धूल का फूल, धर्म पुत्र और विलाप जैसी फिल्मों ने एक नेहरूवादी एंगल को लोगों के सामने रखा था। हाँ, मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इसी टाइम पर श्री 420 फुटपाथ और 2 बीघा जमीन जैसी कुछ फिल्मों ने नेहरू जी की कुछ नीतियों का जम के विरोध किया था, और जनता और पार्टियों में उस टाइम पर इसकी बात भी हुई थी। यानी कि राजनीति के पक्ष में और उसके विरुद्ध में रिलीज की गई इन सभी फिल्मों को जनता की ओर से एक इक्वल समानता भी मिली थी, क्योंकि तब तो लोग एक फुल ऑफ क्रेजीनेस या फिर पागलपन वाले फैंस नहीं थे, बस वो तो सिर्फ एक फिल्म को देखते थे और उसके फिर कुछ टाइम के बाद उसको भूल भी जाते थे। लेकिन अब इसी चीज को हम फास्ट फॉरवर्ड करके 2019 में आ जाए, तो अब यहाँ से चीजें धीरे धीरे करके बदलने लगती है, क्योंकि इसी साल 11 अप्रैल को हमारे देश में आम चुनाव भी हुए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इसके ठीक 6 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बायोपिक फिल्म रिलीज होती है, और आई एम श्योर आप सभी लोगों ने देखी भी होगी। इसके अलावा ये एक और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ठाकरे मूवी
हुई थी, जहां शिवसेना के नेता बाला साहेब ठाकरे को पूरी पिक्चर में एक आदर्श क्रांतिकारी और लड़ाकू नेता के तौर पर दिखाया गया था। मगर इस मूवी में देखने वाली बात ये थी कि यहाँ पर ठाकरे जी की एक फेमस कॉमेंट जो वो अक्सर बिना किसी कटाक्ष के साउथ इंडिया के लोगों पर करते थे, वो थी कि उठाओ लुंगी और बजाओ पुंगी। लेकिन इसी लाइन को दोस्तों इस मूवी में बदल कर क्या कर दिया कि भाई बजाओ पुंगी और हटाओ लुंगी। तो यहाँ पर सवाल तो ये भी उठता है कि आखिरकार इस लाइन को बदला क्यों गया? क्या बीजेपी को साउथ इंडिया के लोगों से सपोर्ट कम मिलता है इसी वजह से? यहाँ तक कि इसके खिलाफ साउथ के एक फेमस सेलिब्रिटी सिद्धार्थ जी ने ट्वीट करके ये बात बताई थी कि ऐसी डरावनी चीजों से अब आप सभी लोग नफरत को बेचना बंद करो। हाँ, मगर यहाँ पर सिर्फ अपने पक्ष के फायदे के लिए ही इन सभी प्रोपेगेंडा फिल्मों को लॉन्च करने तक ही ये कहानी नहीं रुकती। इनफैक्ट यहाँ पर ओपोजिशन पार्टीज को तोड़ने के लिए भी फिल्में बनाई जाती है। जैसा कि 2019 के जनरल इलेक्शन से ठीक पहले विजय गुट्टे की दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म, जो कि भारत के फॉर्मर सीएम मनमोहन सिंह जी की कहानी पर आधारित थी, तो इस फिल्म में भी गांधी परिवार और कांग्रेस को टारगेट किया गया था। इनफैक्ट बीजेपी ने खुद ने इस मूवी के ट्रेलर को 27 दिसंबर 2018 को ट्वीट करके बताया था कि ये कहानी रोचक है कि कैसे एक परिवार ने 10 वर्षों तक देश को बंधक बनाया और डॉक्टर सिंह तो तब तक के लिए ही कुर्सी पर बने रहे जब तक कि उनके उत्तराधिकारी यानी कि गांधी परिवार तैयार नहीं हो गया। फिर इसके अलावा राहुल गांधी पर आधारित माई नेम इज रागा और विवेक अग्निहोत्री की ताशकंद फाइल जैसी कुछ फिल्मों ने सीधा सीधा विपक्षी दलों को अपना निशाना बनाया था। मगर दोस्तों आज इसी सिनेमा के हालात इस आने वाले इलेक्शन से पहले बद से बदतर हो गए हैं, क्योंकि जनवरी 2021 के बाद से रिलीज हुई कश्मीर फाइल से लेकर केरला स्टोरी जैसी कुछ फिल्मों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंडों को कहीं ना कहीं फुलफिल करने की कोशिशें की है। मगर अब इलेक्शन से पहले मानो कि इन फिल्मों की एक लंबी सी लाइन लग चुकी है। फॉर एग्जाम्पल ये रणदीप हुड्डा की स्वतंत्र वीर सावरकर, जो भी हाल ही में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर में भी एक आनंद पंडित नाम के व्यक्ति है जो कि पिछले 30 वर्षों से एक एक्टिव बीजेपी पॉलिटिशियंस के तौर पर काम कर रहा है। इसके बाद मैं अटल हूँ, ये तो हमारे भारत के एक महान प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर आधारित फिल्म थी। मगर इसके बावजूद इस फिल्म के निर्माताओं में से एक संदीप सिंह भी है, जिनके आज बीजेपी के साथ एक अच्छे रिलेशन होने के साथ ही 2020 में इनके ऊपर ड्रग्स के एलिगेशंस लगाए गए थे। हाँ, लेकिन सिर्फ यहाँ पर बॉलीवुड के हालात ही ऐसे नहीं है, बल्कि दूसरी फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे केसेस को देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल एक तेलुगु फिल्म रजाकर, जो कि आजादी के बाद हैदराबाद के दंगों पर आधारित है, तो इस मूवी को बनाया है गुड्डूर नारायण रेड्डी ने, जो कि आज तेलंगाना में एक प्रमुख बीजेपी के एक्टिव पॉलिटिशियंस होने के साथ ही इन्होंने कई बार चुनाव भी लड़े है। सो देख रहे हो क्या हालत है आज हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री की। दूसरी ओर यहाँ पर दोस्तों टाइमिंग वाली भी बहुत सारी मूवीज को इस 2024 के इलेक्शन से ठीक पहले रिलीज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको 2002 का गोधरा हादसा तो याद ही होगा, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो इसकी पूरी एक पर्टिकुलर कहानी पर भी एक साबरमती रिपोर्ट नाम की फिल्म को 3 मई 2024 को रिलीज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ताजुब की बात तो यह है कि इस मूवी के रिलीज होने के ठीक 4 दिन के बाद यानी कि 7 मई को गुजरात की जनता इस आने वाले 2024 के इलेक्शन में अपना वोट देने वाली है। और जब एक बार ऐसी सभी प्रोपेगेंडा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो जाती है, तो फिर इसके बाद इन सभी पिक्चरों को एक तो स्पेशल टैक्स रिलीफ दिया जाता है, फिर इसके बाद जगह जगह पर ऐसी फिल्में मुफ्त में दिखाई जाती है। जैसा कि कश्मीर फाइल फिल्म के टाइम पर आपने देखा होगा कि हमारे देश के कई सारे इलाकों में ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी जिन्होंने अपने कर्मचारियों को छुट्टियां दे देकर इस फिल्म की मुफ्त में टिकटें बांटी और इन लोगों को इस पिक्चर को दिखाने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। तो यहाँ पर जरा मुझे बताओ कि खुद के ही एम्प्लॉयज को मुफ्त में टिकटें बांटकर उनको स्पेशल छुट्टियां देकर आखिरकार इन सभी कंपनियों का कौन सा फायदा हो रहा है? हाँ, मगर यहाँ पर इन दोनों तरीकों के प्रचार को करने के बाद तीसरे तरीके में ये सभी पॉलिटिशियंस ही अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जो ये सभी लोग चुनावी रैलियां करते हैं उसमें इन पिक्चरों को प्रमोट करते हैं। और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल तो अभी हाल ही की आर्टिकल 370 मूवी थी, जहाँ जम्मू कश्मीर के मौलाना आजाद स्टेडियम में एक सार्वजनिक रैली
रैली को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने सुना है कि शायद इस सप्ताह अनुच्छेद 370 पर एक फिल्म रिलीज होने वाली है। मुझे नहीं पता कि फिल्म किस बारे में है, लेकिन मैंने कल देखा कि इस आर्टिकल 370 पर एक फिल्म आ रही है, तो अच्छा इस फिल्म के जरिए लोगों को सही जानकारी मिल सकेगी। लेकिन यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी क्या है दोस्तों, कि ये सभी की सभी फिल्में जो एक्चुअल फैक्ट्स होता है, जो एक्चुअल कहानियां होती है, उन सभी फैक्चुअल चीजों को तोड़ मरोड़ कर उसके ऊपर थोड़ा एक्शन, कॉमेडी और सस्पेंस का मिर्च मसाला छिड़क कर एक परफेक्ट ब्लॉकबस्टर मूवी को जनता के सामने दिखाया जाता है। और इन सभी चीजों से लोग इस लेवल के इन्फ्लुएंस हो जाता है कि फिल्म के पूरे होने के बाद ही लोग थिएटर में तोड़फोड़ करने लगता है, या फिर इन्हीं मूवी थिएटर्स में पटाखे या फिर प्रोटेस्ट करने लगता है। लेकिन क्या यहाँ पर किसी ने ये बात को नोट किया कि इस इलेक्शन के टाइम पर ऐसी प्रोपेगेंडिक डाइवर्जनेटिव मूवीज के सामने शाहरुख खान की जवान जैसी फिल्में भी रिलीज होती है, जिसमें सरकार के करप्शन, आज के भारत के किसानों की कंडीशन, आज के हमारे देश की मेडिकल कंडीशन और मूवी के आखिर में तो एक सही और सच्चे कैंडिडेट को चुन के उनको वोट देने के लिए लोगों में अवेयरनेस जैसी कुछ बुनियादी चीजों को इस मूवी में उठाया गया था। मगर इसका रिजल्ट क्या निकला, एक भी पॉलिटिशियंस ने इस मूवी के बारे में बात करना तो छोड़ो, बल्कि इसका नाम तक जनता के सामने नहीं लिया था। ऊपर से इसके खिलाफ बॉयकॉट जवान, और शाहरुख खान तो एक एंटी हिंदू है, इस तरीके के ट्रेंड्स को चलाया गया था। और ये इकलौती ऐसी फिल्म नहीं थी, बल्कि अनुभव सिन्हा की 2023 में रिलीज हुई फिल्म भीड़ ने भी कोविड-19 के पहले लॉकडाउन के दौरान भारत के लोगों की कठिनाइयों और गवर्नमेंट की क्रिटिकल कंडीशन को दिखाया था। मगर इसको भी लेकर कहीं पे भी सपोर्ट या फिर टैक्स रिलीफ नहीं दिया गया था। और रियलिटी में दोस्तों ऐसी फिल्मों की ही प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए जो देश की सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर सके। लेकिन यहाँ पर लोग ऐसी फिल्मों को एक एंटरटेनमेंट पर्पस के तौर पर देखकर उसको छोड़ देते हैं। जिस फिल्म को देखने के बाद हम लोगों को एक्चुअल जागरूक होना चाहिए, उस फिल्म के यहाँ पर कोई मायने नहीं रहते। और इसीलिए मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस आने वाले 2024 के इलेक्शन में आप इन फिल्मों के सपोर्टर या फिर इनमें दिखाए गए हिंदू मुस्लिम के दंगे, फिर इंडिया पाकिस्तान के एक्शंस, या फिर किसी भी तरीके के धर्म और जाति के दंगों को जो ऐसी चुनावी प्रचार टाइप मूवीज में दिखाया जाता है, एटलीस्ट इन सभी चीजों से दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के हित के लिए ही वोट दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके इस पूरे मुद्दे पर आप सभी लोग भी अपना ओपिनियन मुझे कॉमेंट्स में बताना जरूर। लेकिन तब तक के लिए मिलता है अगले विजुअल में। गुड बाय।